आपने क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1 में ये साबित करना है, ये r स्क्वायर इनटू cot अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2 और गामा बाय 2 डेल्टा के बराबर। हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, इन चारों में r स्क्वायर cot अल्फा बाय 2 की वैल्यू पता है, बीटा बाय 2 की वैल्यू भी पता है और गामा बाय 2 की वैल्यू भी पता है। अब क्योंकि ये तीनों अंडर रूट वाली है तो हम इनको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों और नीचे वाले से ये तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनको इकट्ठा लिखेंगे ऊपर तीनों वालों को और नीचे तीनों वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप गौर फरमाएं तो एस एन से बी और सी जो है वो नीचे वालों से कट रहा है, जब आपने नीचे वालों से कटेगा ऊपर एक्स क्यूब आ जाएगा, नीचे इनका एक्स क्यूब एस वन से एस वन बी एस वन सी। अब आपको अगर इसके साथ एस आ जाए तो हमारा मसला हल हो जाता है, हम s से मल्टीप्लाई से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या रहेगा s4 और नीचे क्या रहेगा s प्लस 1 से s प्लस b s प्लस c, दोनों का अंडर रूट अलग कर दें, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग करेंगे तो ये s2 आ जाएगा और नीचे वाले का अंडर रूट अलग करेंगे ये हमारे लिए हमें तो पता है कि r2 s2 है तो ये किसके बराबर होता है डेल्टा के। जरा आप गौर फरमाएं कि ये आ गया आपके पास डेल्टा, ये r2 s2, इसके लिए हम डेल्टा स्क्वायर पुट कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे सॉरी तो ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर आ गया, इसी जगह ये पुट किया इन दोनों को डिवाइड किया ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड रिक्वायर्ड आता है। जी ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 लेंथ भी है, कहता है r जो है वो इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है, यानी हमें साबित करना है कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं ये r के बराबर है, तो इसका हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट राइट हैंड साइड पकड़ते हैं, पहले पहले वाला पकड़ते हैं, 8 sin बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2 ओवर कॉस अल्फा बाय 2, ए साइन बीटा बाय 2 साइन गामा बाय 2 और 1 ओवर कॉस लेना सेकंड किया, इनके फार्मूले पुट कर दिए, साइन बीटा बाय 2 का फार्मूला, गामा बाय 2 का फार्मूला और सेकंड अल्फा बाय 2 का फार्मूला पुट कर दिया। जनाब ये तीनों को आपके पास अंडर रूट वाले लग रहे हैं तो इनका होल अंडर रूट इकट्ठा लिखा जा सकता है, ऊपर वालों को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों को नीचे वालों से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट इकट्ठा लिख देंगे, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आंसर है। अब आपने ये देखना है कि कौन सी चीजें आपस में कैंसिल होती हैं, जैसे s माइनस a s माइनस a से कैंसिल हो जाता है, ठीक हो गया, ये s माइनस a से जब कैंसिल होगा तो एक s माइनस a बच गया, s माइनस b s माइनस c बच गया, ये bc इस bc से कैंसिल हो जाएगा, दो बात हो गई, क्या बचेगा s, ये जो a स्क्वायर है जब इसका अंडर रूट लेंगे तो नीचे क्या आएगा a, अब a a से भी कैंसिल, तो फाइनली आपके पास s माइनस b s माइनस c s माइनस और s है। अब हमें यहां क्या चाहिए, s s से मल्टीप्लाई s से डिवाइड करते हैं, जब आप s से मल्टीप्लाई s से डिवाइड करेंगे नीचे स्क्वायर ऊपर s आएगा, अंडर रूट अलग अलग करते हैं, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग अलग नीचे का अलग, जब नीचे वाले का अंडर रूट खोलेंगे तो क्या आएगा s और ऊपर वाले नीचे का क्या आएगा डेल्टा, डेल्टा पर s क्या होता है r। अब हम क्या करते हैं इसका नेक्स्ट हिस्सा पकड़ते हैं, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आपका ये है कि आपने b इंटू साइन अल्फा बाई टू गैमा बाई टू कॉस बीटा बाई टू करना है, इसमें भी यही करेंगे b साइन गैमा बाई टू अल्फा बाई टू और ये मान पर कॉस बीटा बाई टू सीकेंट बीटा बाई टू, फिर वो ये मन करेंगे बेटे इन तीनों का फार्मूला पुट करेंगे, फिर इन तीनों को इकट्ठा अंडर रूट में लिखेंगे, ऊपर वाले से और नीचे वाले तीनों नीचे वाले से मल्टीप्लाई होंगे, जब ये मल्टीप्लाई होंगे और मिलेगा एस माइनस बी एस माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा ए, या लेंगे बी बी से कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो है वो इधर है, इधर आ गया ए बी सी, इधर है ए सी, ए ए से कैंसिल सी सी से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर को बाहर ले जाएंगे अंडर रूट के क्या आएगा बी, बी बी से कैंसिल हो जाएगा, जरा आपके पास क्या बचा इधर, आपके पास यहाँ पे बचा एस। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आप देखते हैं जी, नीचे एस बच गया ऊपर तीन बच गए बाहर बी बी से कट गया, फिर इधर एस की जरूरत है एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड कर दें, एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड किया, ऊपर वाले का अंडर रूट लगा नीचे वाले का अलग था, नीचे एस बच गया ये रकम क्या गया डेल्टा, नीचे क्या गया एस ए बी आ गया। तो बेटे सिमिलरली सो ऑन अगेन टेकिंग ये तीनों रकम पुट करेंगे, बटे वाली रकम को ऊपर ही लेंगे सेकंड, इन तीनों के फॉर्मूले पुट कर देंगे, फिर इन तीनों को आपस में अंडर रूट रख के मल्टीप्लाई करेंगे, एस माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, ए बी से कैंसिल हो जाएगा, सी का स्क्वायर बाहर आके सी सी से कट जाएगा, ऊपर आपके पास ये रकम थी इसे एस से मल्टीप्लाई एस से डिवाइड करेंगे,
ऊपर वाले का अंडर रूट नीचे वाले का लैदा, जब अंडर रूट करेंगे तो नीचे ये रकम ऊपर डेल्टा है, डेल्टा पर एस ज्यादा होता है, साबित हो गया कि ये तीनों बराबर है। 11th नंबर सेम है, कहता है r + r2 tan γ/2c के बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड पर देखें r1 और r2 की वैल्यू पुट करें, tan γ/2 की वैल्यू पुट करें, जनाब ये आपस में रिजॉल्व होंगे और इसको लैदा हम साथ चलाते जाएंगे। जब इनको आपस में रिजॉल्व करेंगे तो इनका तो एलसीएम आएगा, डेल्टा कॉमन ले लें और अंदर एलसीएम ले लें, तो ए ए से कटेगा तो एस वन बी ऊपर, जमा बी बी से कटेगा तो एस वन सी ऊपर। हम इसको हल करते जाएंगे, इसको साथ बी साथ साथ चलाते जाएंगे, इसको भी हल करना शुरू करेंगे। इधर आप अगर गौर करें तो एस जमा एस टू एस माइनस बी माइनस ए डेल्टा आ गया, ये तो यहाँ पे आ गया। यहाँ अगर आप देखें एस माइनस एस माइनस बी ओवर एस माइनस सी था, अब हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे s इंटू एस माइनस सी है, हमारे पास क्या नहीं है नीचे, हमारे पास s माइनस ए और s माइनस बी नीचे नहीं है, जरा आप गौर फरमाएं तो s माइनस ए और s माइनस बी इधर नीचे नहीं है। हम क्या करते हैं, ये जो s माइनस ए और s माइनस बी है जो नीचे वाला है, इनको अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे, इन दोनों का स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, जब आई निकालेंगे स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। दोबारा सुने, इन दोनों को मैं अंडर रूट के अंदर ले गया, ऊपर वाले का वैसे ही थी s - a - b अंडर रूट के अंदर ले गया। कैसे लेके जाएंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, अंदर लेके जाएंगे स्क्वायर आ जाएगा। फायदा इसका क्या होगा, फायदा बेटा ये होगा s - a और b से कट के ऊपर बना है, देखिए s - a s - b s - b आ गया पहली बात। दूसरी बात, अगर आप 2s लेते हैं तो 2s की जगह a - b - c लिख सकते हैं, b और a से कट गए, आपके पास डेल्टा इनटू सी ऊपर बच गया और इधर नीचे आया डेल्टा, डेल्टा डेल्टा से काट गया, तो राइट हैंड साइड क्या है, सी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में आता होता है। स्टूडेंट आज आपकी 12.8 खत्म हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं 12.2 आपको उसका ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद हम चैप्टर 13 शुरू करेंगे।